लेत कालिकोपुल का सरकार आया। फिर लेत कालिकोपुल जी 4-5 महीने के लिए झलक दिखला जाता है फ्लाइट, यू नो इतना बढ़िया काम परफॉर्मेंस उसने किया। उसके बाद में अचानक उसकी सरकार जाती है और वो खुद को हैंग कर लेते, खुद को हैंग करते कि कोई और हैंग करके टांगते, वो तो आज तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बट कालिकोपुल जी के निधन से मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा, मैं मेंटल हो गई। मैं इसलिए मेंटल हो गई कि एक पहला ऐसा एक लौता नेता निकला था अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत ही प्रैक्टिकल, टू मच प्रैक्टिकल। वेदर डेट वॉज हिज पब्लिसिटी स्टंट और व्हाट आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट स्टिल आई बिलीव कि वो एक अच्छा नेता था और उसने राज्य के हित के लिए बहुत काम किया है। उसने 24/7 अपना फोन ऑन रखा, हर किसी से मिले, हॉस्पिटल में पहुंच गए, पानी के टंकी में पहुंच गए, नाले में पहुंच गए, बाजार में पहुंच गए, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिसको वो अटेंड नहीं करते थे। तो उन्होंने इतना बढ़िया किया, हम तो बहुत खुश थे दूर बैठ के। मैं आज तक उनसे कभी प्रैक्टिकली रूबरू नहीं हुई, उनके साथ बैठ करके पानी पीना तो दूर की बात, उनको मैं बस मीडिया के माध्यम से देखती थी। फिर भी उसने इतना असर कर गया मेरे मन में कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि वाह, अरुणाचल प्रदेश में मिस्मी कम्युनिटी से एक ऐसा बंदा पैदा होके निकला है जो वाकई में अरुणाचल के लिए बहुत ही, मतलब वो इतना कमिटेड है अरुणाचल के लिए वो काम कर रहा है। जब कालिकोपुल जी का निधन हुआ उसके बाद में हमारे अभी की वर्तमान की जो मुख्यमंत्री है श्रीमान पेमा खांडू जी, उनका दौर आया। तो मुझे एक प्रकार से, मैं पहले से बता रही हूँ कि मैं साइको हो गई थी कि कालिकोपुल को मारने वाले यही लोग हैं, इन्हीं लोगों के वजह से कालिकोपुल ने अपने आप को इस दुनिया से मतलब रुखसत कर लिया। तो कालिकोपुल जैसे अच्छे नेता को खत्म करने वाले ये लोग हैं। तो मन में अंदर से एक मतलब नफरत सी पैदा होके निकली, तो वो मैं नहीं छुपाऊंगी, आज आपके माध्यम से पूरा अरुणाचल सुन लीजिए। सब लोग हर बार यही सवाल करते कि पेमा खांडू से तुम्हारा निजी क्या दुश्मनी है, तुम्हारा निजी क्या, तुम्हारा पर्सनल कोई प्रॉब्लम है जो तुम इतना पेमा खांडू को तुम घसीटते हो, तुम इतना उसको पछाड़ते हो। मेरा पेमा खांडू जी से निजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पेमा खांडू जी से मैं पहले प्रैक्टिकली मिल चुकी हूँ, चाय भी साथ में पी चुके हैं, नंबर भी एक्सचेंज कर चुके हैं। फिर भी जब कालिकोपुल जी का निधन हुआ तो मुझे पेमा खांडू जी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मैं आज नहीं छिपाऊंगी, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और उनके टीम में जितने लोग जुटते गए उन सब से मुझे एक नफरत सी होने लग गई कि आप सब ने मिलकर के पेमा सॉरी कालिकोपुल जी को आप लोगों ने मतलब बलि के भेंट चढ़ा दिया।